हाय फ्रेंड, माय नेम इज आफताब और आज हम सीखेंगे ई ट्रांसमिट कमांड के बारे में। इसका क्या यूज होता है दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो हम ऑटोकैड में आ जाते हैं। एक हमारा ये ड्राइंग है और ये एक्सरेफ में है। इस कमांड का जो यूज है वो एक्सरेफ के लिए ही ज़्यादातर यूज होता है, या फिर ऐसा ड्राइंग जिसमें कोई चीज़ अटैच किया गया हो, जैसे कि या फिर आपने कोई टेक्स्ट स्टाइल अटैच किया हो या कोई CTB बना के रखा हो, तो जो कुछ भी आपने उस फाइल से रिलेटेड अटैचमेंट या सेटिंग किया होगा, या उससे रिलेटेड, सॉरी सेटिंग नहीं कहेंगे, लाइक CTV जैसे होता है कि हम जो भी यूज किए हैं। अभी देखिए इसका किस तरह से यूज होता है। देखिए ये एक्सरेफ है। अभी हम यहाँ पे जाएंगे, ये कमांड है ई ट्रांसमिट, टाइप कीजिए, या फिर यहाँ से जाइए फाइल में सीधा। यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पे जाइए, यस, तो ये इससे रिलेटेड जितने भी एक्सटर्नल रेफरेंस है, यानी कि इससे जितने भी लोग अटैच हैं, जितने भी ड्राइंग अटैच हैं, उन सब को ले लेगा। प्लस देखिए हमने यहाँ पे इसमें CTB यूज किया है प्लाट के लिए, वो इसको ले लेगा। इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उन सब को ये ले लेगा और एक फोल्डर बना के आपको दे देगा। इसका यही काम है। इसको आप मेल कर सकते हैं या किसी को भेजेंगे। कभी कभी क्या होता है, हम एक्सरेफ जब लेते हैं तो एक फाइल हमने कहीं और से अटैच किया, एक फाइल कहीं और से अटैच किया, बाद में हमारे दिमाग से हट गया, हमने उसको एक फोल्डर में नहीं रखा। तो ऐसे में वो जब आप किसी को भेजेंगे तो जब वो ओपन करेंगे तो वो एक्सरेफ में नहीं रहेगा, मिसिंग दिखाएगा, फाइल मिसिंग। तो ऐसा कर देने से आपका कोई भी फाइल मिस नहीं होगा। और इसमें ऐड भी कर सकते हैं, अगर आपको कुछ और फाइल ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ से जाके आप इसके अंदर से, यहाँ से व्यू देख सकते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, कंप्लीट जानकारी। तो हम इसको ओके कर देते हैं। अब ये लोकेशन पूछ रहा है कहाँ पे सेव करना है, तो हमारा जो फोल्डर जहाँ से हमने इसको ड्राइंग को ओपन किया है, हम वहीं पे इसको सेव कर देते हैं, या आप कोई और जगह दे दें, नाम सेम है तो हम यहाँ पे कुछ और लगा देते हैं, सेव कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखिए क्या हुआ, अभी हम आपको फाइल में दिखा रहे हैं, ये इसने एक फाइल देखिए इस नाम से जनरेट कर दिया। अब इस फाइल को अगर मैं कॉपी करता हूँ और एक नए फोल्डर में रखता हूँ, पेस्ट कर दिया। अभी हम इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये देखिए इस फाइल से रिलेटेड, इस मेन फाइल से जितने लोग अटैच थे उनको ले लिया, हमारा CTV जो यूज हुआ था उसको ले लिया, इतनी चीज़ों को उसने एक साथ ले लिया। अक्सर CTV मिस होता है जब आप किसी को ड्राइंग भेजते हैं, एक्सरेफ का कभी भी ड्राइंग जब आप भेजते हैं तो बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता होता है। तो CTV हम प्लॉटिंग के समय यूज करते हैं, तो उसको ऑटोकैड में ले जाके डाल देते हैं। अब जहाँ, जैसे यहाँ पे देखिए CTV कहाँ होता है, ये आपको पता है कहाँ पे रखते हैं, ये इसके अंदर हम सभी CTV को रखते हैं। उसके बाद उसको लोड करके हम उस पर प्रिंट मार देते हैं। तो अगर हम एक्सरेफ अभी अपना हमने किसी को देना हुआ तो हम क्या करते हैं, ये हमारा फोल्डर है, इसको हमने कॉपी किया,
उठा के दे दिया, तो ये सीटीबी मिस हो जाता है या बहुत सी फाइल मिस हो जाते हैं। तो कभी भी अगर आप एक्सरे फ्यूज करते हैं, कभी भी एक्सरे फ्यूज करते हैं, कहीं से भी आपने किसी भी फाइल को अटैच किया हो, किसी भी तरह से अटैचमेंट हो आपका, तो जब आपका कंप्लीट ड्राइंग हो जाए, जब सब कुछ फिनिश हो जाए, जब आपको किसी को देना हो या अपने पास फाइनल प्रिंट या फाइनल ड्राइंग रखना हो, तो उसके लिए आप इसको ई ट्रांसमिट यूज किया करिए। ई टी, ये देखिए, बस आपको यस कर देना है और ये लोकेशन पूछेगा, वहाँ पे सेव कर लेना है। तो आपका जितना भी इससे रिलेटेड ड्राइंग अटैचमेंट होगा वो सब एक साथ आपके पास आ जाएगा। इसका यही यूज है यहाँ पे। और भी सेटिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जाएंगे ना, ये देखिए सेटअप मॉडिफाई, यहाँ पे जिप में कि फोल्डर में किस में चाहिए, और भी इसके अंदर आप देख सकते हैं किस वर्जन में सेव हो, फॉर्मेट, और यहाँ पे क्या नाम होना चाहिए, जो कुछ भी है कंप्लीटली आप इसको देख सकते हैं। लेकिन ये है बहुत ही काम की चीज़ उन लोगों के लिए जो लोग एक्सरेफ यूज करते हैं। एक्सरेफ यूज करने वालों के लिए ये बहुत ही बेटर है। जब भी आप कोई भी एक्सरेफ यूज करें, जब आपका फाइनल हो जाए, मतलब कंप्लीट हो जाए ड्राइंग, तो उसको ई ट्रांसमिट करके आप कहीं भी रख लीजिए, आपका वो ड्राइंग सेफ रहेगा, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। कभी भी एक्सरेफ में अटैचमेंट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मिसिंग नहीं होगा, जो भी अटैचमेंट होगा। मैं जो कहना चाहता हूँ मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप फिर से हमसे पूछ सकते हैं ऑटोकैड से रिलेटेड किसी भी कमांड के बारे में। अगर आप चाहें तो हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं। अगर मैं जानता हूँ तो बताऊँगा, नहीं जानता हूँ तो किसी और से पता करूँगा, कोशिश करूँगा कि ज़रूर उसका आंसर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।